بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बसमीम अल्लाम वेलकम टू गर पब्लिशर्स और स्लोगन इज़ रीडिफ़ाइनिंग द जोग्रफ़ी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फ़ॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मैं हूँ फैसल शहज़ाद खान गौर इस्लामियात बुक फ़ाइव के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदी मोहतरम साज कराम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़मान में रखे और आपके इल्मो अमल में बरकत अंता फरमाए आमीन हमारी किताब का पहला बाब जिसका है क़ुर मजीद व हदीस नबी सल्ला वसलम और इसका पहला सबक है हिफ कुरान मजीद मोहतरम साज कराम इस सबक़ को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद हमारे तलबा अल्लाह ताला के फलोक करम से इसकाबिल हो जाएंगे कि आयतलकर्सी की अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें और आयतलकुरसी सूरतलफ़ील और सुरः खुराश के मफाहम समझ सकें इन सूरतों के अहकाम से हासिल होने वाले सबक पर रोजमर्रा ज़िंदगी में अमल पैरा हो सकें और हिफाज़त के लिए सुबह शाम कुर्सी का मामूल बना सकें मोहतरम साजा कराम इस सबक को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद हमने अपने तलबा को हमने अपने तलबा को कुर्सी आयातलकुरसी फील और सूर क्रैश के मफाहम से आगाह करना है बताना है कि इन सूरतों के मफहूम क्या है और इस पर हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अमल भी कर सकते हैं साथ ही साथ हमने मुकाबला हसन कररात करवाना है और बेहतरीन कराद करने वाले तलबा की हौसला अफजाई भी करनी है तलबा को हर फर्ज नमाज के बाद और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की तरगीब भी दिलानी है आयतुलकर्सी का सवाब भी बताना है और ये भी बताना है कि हर फर्ज़ नमाज के बाद आयतुल आयातुलकर पढ़ने से अल्लाह ताला किस तरीक़े से जन्नत अता फरमाएगा मोहतरमा सज कराम इसी बाप का दूसरा सबक जिसका नाम है हिफ्ज़ो तर्जमा इस सबक को भी मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद अल्लाह ताला के त क़रम से हमारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि दरुद इब्राहिमी और दुआ कलूत माँ तर्जमा याद कर सकें मस्कूरा दुआओं के माना मफाहिम को अच्छे से जान सकें अस्मा हस्ना यानी अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम मानी के साथ पढ़ सकें दरुद इब्राहिमी और दुआएं कलू हिफ कर सकें और दी गई मसून दुआओं को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी बिलखसूस नमाज में पढ़ सकें दरूद इब्राहिमी के फज़ाइल बताने के काबिल भी हो सकें मोहतरम साजा कराम हमने अपने तलबा को ना सिर्फ ये दुआएं याद करवानी हैं बल्कि बार बार सुनना भी है ताकि उनको ये दुआएं अच्छे से याद हो जाएं और दुरूद सलाम पढ़ने की आदत पुख्ता करवाने के लिए उनसे अक्सर पूछा भी करें कि आज आपने पूरे दिन में कितना दरुद पाक पढ़ा है तो इस तरीके से सवाल करने से बच्चों का जहन बनेगा और वो दुरूद पाक पढ़ने के आदि भी बन जाएँगे और इसका सवाब भी अल्लाह के करम से हमें मिल जाएगा मोहतरम असजा कराम इस सबक को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद हमने अपने तलबा को दरूद इब्राहिमी और दुआए खनूत की ऑडियो भी सुनवानी है और तलबा को दरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल से भी आगा करना है कि दरूद इब्राहिमी कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व ती न है कि जिसको पढ़ने से हमें ढेरों स्वाब मिल जाता है साथ ही साथ चार चार तलबा का ग्रुप बना लेना है ग्रो बना लेना है और उनको मुंतब दुआओं का मतन दें और दिए गए मवाद में तलबा तराजम तलाश करके तहरीर करें तो इस तरह करने से इनको दुआओं का मतन भी याद हो जाएगा और अच्छे से इनका तर्जमा भी याद हो जाएगा मोहतरम क़राम, इसी बाप का तीसरा सबक है जिसका है हदीस नबवी सल्ला वाला वबी वम इस सबक को मुकम्मल करवा लेने पर अल्लाह त फलोक करम से हमारे तलबा आदि से मुबारका की अहमियत से वाकिफ हो सकेंगे और आदि से मुबारक के मानी मफाहिम को अच्छे से समझ सकेंगे अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में इन आदि से मुबारक की तालीमत पर अमल करने के काबिल भी हो सकेंगे इस सबक को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद आपने अपने तलबा को हदीस की अहमियत के बारे में बताना है कि कुरान मजीद के बाद हदीस की बहुत अहमियत है और हदीस के बगैर हम कुरान मजीद के ऊपर अमल भी नहीं कर सकते क्योंकि कुरान में तो अहकाम ही दर्ज हैं हदीस में उसकी तफसील मौजूद हैं इसके साथ साथ तलबा को कोली फैली और तकरीरी अदीस के बारे में बताना है कि यह हदीस की तीन बुनियादी इकसाम हैं और कौली हदीस किसको कहते हैं तकरीरी हदीस किसको कहते हैं और फेली हदीस किसको कहते हैं तलबा पा... को ये भी बताएं कि जो हदीस मुबारका मुबारक सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है उसे मुतफ़न अलह कहते हैं यानी ऐसी हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है उसको मुतफिक अलह कहा जाता है मोहतरम इसम हमारे बाब अव्वल का अगला सबक जिसका नाम है दुआएं ये दुआएं हमने अपने तलबा को ज़ुबानी याद करवानी है इस सबक को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद अल्लाह त फल करम से हमारे तलबा काबिल हो जाएंगे कि दुआओं को पढ़ने की अहमियत तो व फजीलत से आगा हो सकें दुआओं के मानी मफाहिम से वाकिफ़ हो सकें और दुरुस्त तलफ़ के साथ याद करें दुआओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ने के आदि हो सकें मोहतरम साजा कराम इस सबक को भी मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद हमने अपने तलबा को दुआ की अहमियत से आगा करना है बताना है कि दुआ किस कदर अहम है हमें दुआ अल्लाह रबुल्ज़त की बारगाह से ही मांगनी चाहिए और ये भी बताना है कि सबक में दी गई दुआओं को दुरुस्त तलफ़ के साथ याद भी हमें करवाना है हमें अपने तलबा को सबक में दी गई दुआओं को दुरुस्त तलफ्स के साथ याद भी कराना है तलबा को ये भी तरगीब दिलाएं कि इन दुआओं को अपनी अमली ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बना लें अल्लाह के नेक बंदे अलिया कराम और खूसब कराम अपनी ज़िंदगी में इस इन दुआओं को पढ़ा करते थे ये भी बच्चों को बताएं ताकि उनमें ौक़ और शौक़ मज़ीद पैदा हो और वो भी अपनी ज़िंदियों में इन दुआओं को जगा दें यानी अपनी ज़िंदियों का हिस्सा बना लें मोहतरम क़राम यकीन जानिए हमारे तलबा हमारा मुस्बिल है तलबा की अच्छी तरबियत हमारे अच्छे मुस्बिल की जामिन है आज हम अपने तलबा को अच्छे तरीके से समझाएंगे बताएंगे और बेहतरीन मुसलमान बना देंगे तो हमारे लिए भी होगा अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा और हमारे पाकिस्तान का मुस्तबिल भी समझ जाएगा हमारा मुस्कबिल और हमारी कौम का मुस्कबिल भी समझ जाएगा हमारे तलबा हमारा मुस्तबिल है यकीन मोहतरमा साजा का नाम उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं जहां पर आप हमारी वीडियोस को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं इसी तरह हमारी किताबों के बारे में मजीद मालूम हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट गहर पब्लिश डॉट कॉम को भी विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हमारी तमाम किताबों से मुतालिक, की बुक्स लेक्चर नोट्स स्कीम ऑफ स्टडीज और लेसन प्लान्स मिल जाएंगे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दुआओं में याद रखिएगा अस्सलामुअलैकुम